रूपनगर की प्रीत कलोनी दे विच चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन आखिर दो दिनों बाद खत्म हो गया है। मलबे के ढेर थले दबे हुए पंजवें मजदूर की मृतक देह नू भी रेस्क्यू टीम ने बाहर कढ लिया है। दस दिए कि प्रीत कलोनी दे विच दो दिन पहला एक मकान की छत डिग पई सी अते इस मकान के लेंटर नू उच्चा चुकण का काम किया जा रहा सी। इस लेंटर के थले पंज मजदूर दब गए सन। हुण पंजां नू बाहर कढ़िया जा चुका है। एक दा पीजीआई दे विच इलाज चल रहा है जदों कि चार की मौत हो चुकी है। हम परसों रात को ही हम चार बॉडी लोकेट कर लिए थे और आज सुबह 3-4 बजे से स्मेल आना शुरू हो गया था। उसके बाद कैनाइन सर्च हुआ, डॉग्स को बुला के सर्च किया गया और डॉग्स ने जिस तरफ इशारा किया, जब जहाँ से पहला विक्टिम निकला हुआ था वहीं लाइव विक्टिम वहीं पर लोकेट हम किए हैं। और उसके बाद हमने खुदाई किया, जॉइंट ऑपरेशन चलाया NDRF SDRF ने और देन अभी सक्सेस हो गया और अभिषेक जो नाम का जो व्यक्ति था उसकी बॉडी हमने निकाला और एम्बुलेंस के हवाले किया गया। कैसे, कितना मुश्किल था इस बॉडी को निकालना, किस हालात में ये बॉडी है? नहीं, मुश्किल तो बहुत था क्योंकि देखिए टोटली जो पेन केक हुआ है पूरा स्लैब नीचे बैठ गया था और इसीलिए इसको सर्च करने में दिक्कत है। सबसे डाउनफॉल में ये बॉडी दबा हुआ था जिसके वजह से डॉग्स की मदद के द्वारा ये संभव हो पाया, अगर डॉग्स नहीं होते तो संभव नहीं था। कितना अंदर पुलिस ने मकान के मालक अते लेंटर उच्चा चुकन वाले ठेकेदार के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आने वाले समय के विच इस तरह की कोई होर घटना ना हो इस दे लई प्रशासन नू होर वधेरे सख्त होना पवेगा। पांच मजदूर दबे होने की इन्फॉर्मेशन मिली थी, पांच में से एक को सक्सेसफुली सेव कर लिया जो स्टेबल है, उससे हमारी बात भी हो रही है लगातार। चार अनफॉर्चुनेटली उनको हम बचा नहीं पाए। कॉन्टीन्यूसली दिन रात पिछले दो दिन से ऑपरेशन चल रहा है, हमारी टीम्स ने एक बार भी ब्रेक नहीं लिया जिसके चलते एक लाइफ तो हम सेव कर ही पाए, बट नाउ ऑल फाइव पीपल हैव बीन मेड आउट। इसके साथ साथ जो ना हो गए बट वी आर वर्किंग की पता क्या क्या डॉक्टर से पहले उनको कैसे डिफिकल्ट टास्क था। वैसे तो एक्सपर्ट्स हमारे साथ NDRF थे, उन्होंने बहुत ही सारा मैनुअली करके उसको कट करके, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे ह्यूमन बींग्स ट्रैप्ड हो हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर स्लाइटेस्ट भी पॉसिबिलिटी है होपफुल रहने की तो हमारी कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरीके से विद डिग्निटी लाइव और डेड हम ह्यूमन को बाहर निकाल पाएँ। तो तंग गलियाँ हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, उस करके मशीनरी वैसे भी नहीं मोबिलाइज हो पा रही थी, अदरवाइज भी मशीनरी थोड़ा हम गुरेज करते हैं। दो लेंटर हैं तो काफ़ी बड़ी चीज़ थी, काफ़ी डिफिकल्ट ऑपरेशन था जितना हमने देखा है, बाकी एक्सपर्ट्स भी हमको बताएंगे। उन्होंने छोटा छोटा कट कर करके बंदे लोकेट करके जो फर्स्ट लाइव हम बंदा निकाल पाए थे जो लेबर था उसकी मदद से उसने हमें हेल्प किया कि कहाँ पे बाकी उसके कितने कदम की दूरी पे थे। स्नाइपर डॉग जितनी टेक्नोलॉजी लोकली अवेलेबल मशीनरी एक्सपर्ट्स के साथ सलाह करके आर टीम एज वर्क रियली काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। एक प्रॉपर एक्सपर्ट्स की कमेटी बना के इंक्वायरी मार्क कर दी गई है। थोड़ा बहुत जो हमें पता लगा है कि बहुत पुराना मकान था, प्रिलिमिनरी बिल्डिंग बायलॉज होते हैं कमेटी के जिसमें नोटिस देना होता है, प्लान चेक कराना होता है, कुछ फ्लॉज हैं, डिटेल्ड इंक्वायरी अभी चलेगी, बट प्रिलिमिनरी हमारा ये था कि हम ह्यूमन लाइफ जितनी सेव कर सकें। 24-48 आवर्स से चल रहा था ऑपरेशन। इसके साथ साथ लोगों को भी अपील है कि जब प्राइवेट घरों में कुछ करते हैं, बिल्डिंग बायलॉज हैं उसका नक्शा प्रॉपर पास कराएं, इंटीमेट करें, जिस भी ठेकेदार से आप काम कराते हैं उसके पास डिग्री एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किस मटेरियल का है और क्या है, डिप्लोमा होल्डर भी नहीं है ठेकेदार, ऐसे कई खामियाँ सामने आती है जो मैटर ऑफ डिटेल्ड इंक्वायरी भी है, बट लोगों को बहुत इसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि घर में या प्राइवेट प्रॉपर्टी में कहीं पे भी काम कराते हैं तो प्रॉपर रूल्स फॉलो करें, प्रॉपर जिस ठेकेदार को एम्प्लॉय करते हैं उसका सारा कुछ देखें। लेबर्स की रजिस्ट्रेशन भी ऑल द कॉमन पर्सन को नहीं पता होता है तो वो भी होनी चाहिए विद ठेकेदार। तो ये सारी चीज़ें मैटर धीरे धीरे डिटेल्ड इंक्वायरी में भी होगा, क्योंकि प्राइमरली हमारा फोकस था कि जो बचे हैं उनका ट्रीटमेंट, बाकी को रेस्क्यू करना, उनकी फैमिली से रब्ता करके उनका सारा अरेंजमेंट करना और उनको विद डिग्निटी उनके घर तक। ठेकेदार वगैरह का